अब बात कर लेते हैं मराठा आरक्षण आंदोलन की। यह आंदोलन महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। आज भी हिंसक प्रदर्शन हो गए। पुणे में मराठा आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों और बसेस में तोड़फोड़ की, हाईवे में जाम लगा दी, पुलिस वालों पर पथराव किया। गड़बड़ी सरकार की तरफ से आज भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए देश में आज हम महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन की आग में कब तक सुलगेगा महाराष्ट्र। जनता को बंद और प्रदर्शन से आजादी कब दिलाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मराठा आरक्षण की मांग पर कब तक चलेगा महाराष्ट्र। पुणे में आंदोलनकारियों ने बसों में आग लगा दी। मराठा आरक्षण आंदोलन पर नींद में क्यों सरकार। पुणे में आंदोलनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मराठा आरक्षण की मांग को हिंसक क्यों बनने दिया। पुलिस वैन पर पथराव, लग्जरी बस पर हमला। फडणवीस जी, पिछले एक हफ्ते से मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में जल रहा है महाराष्ट्र। देखिए, ये आपके राज्य में पुणे की हिंसक तस्वीरें हैं। बसों में आगजनी, थाने पर हमला, पुलिस वालों पर पथराव, हाईवे जाम, सड़क पर चल रहे लोगों के लिए बंधक जैसी स्थिति बन गई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर महाराष्ट्र का ये हाल कब तक होता रहेगा। कुछ तो कीजिए, बीच का कोई तो रास्ता निकालिए जिससे राहत की सांस ले सके आपकी जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।